केंद्र की तरफ से करनाल तथा सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के नवनियुक्त प्रभारी नगेंद्र सिंह रावल ने जिला पदाधिकारियों, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों, मंडल अध्यक्षों तथा मोर्चा अध्यक्षों के साथ परिचय बैठक की। सर्वप्रथम प्रभारी लोकसभा नगेंद्र सिंह रावल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल उपाध्याय भारत माता के चित्रों पर पुष्प अर्पित करके दीप जलाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश महामंत्री संजय भाटिया, जिलाध्यक्ष प्रमोद विज, पानीपत शहरी विधायिका रोहिता रेवड़ी, महापौर अवनीत कौर, जिला महामंत्री देवेंद्र दत्ता, लोकसभा सह संयोजक लोकेश नांगरू, उपाध्यक्ष सुनील सोनी उपस्थित रहे। नगेंद्र सिंह रावल जी मूलतः तो ये दादरी से, दादरी यूपी से, गाजियाबाद नोएडा, गाजियाबाद हाँ जी, और अब ग्रेटर नोएडा में निवास है। नहीं नहीं, मेरा गाजियाबाद। अब वर्तमान में जिनको जिम्मेवारी दी गई है करनाल लोकसभा और सोनीपत लोकसभा के प्रभारी के नाते, और उसी के निमित्त आज पानीपत जिले के कार्यकर्ताओं के साथ जो प्रमुखतया जो हमारे जिले के पदाधिकारी हैं, जो मंडलों के अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, प्रमुख लोगों से आज मिलने का परिचय करवाने के लिए आज की बैठक रखी गई थी, उसी निमित्त आज हमारे बीच में आए। संगठन में क्या पद है आपके पास इस समय? मैं केवल संगठन के अनुसार, अभी इससे पहले राजस्थान था, इस मुख्य उद्देश्य आज के मीटिंग का अपने कार्यकर्ताओं बंधुओं के साथ एक परिचय का था, और उसी परिचय के साथ ही हमने ये बैठक जिलाध्यक्ष जी के द्वारा और हमारे संजय भाटिया जी जो प्रदेश महामंत्री हैं उनके द्वारा ये बैठक बुलाई गई, और उस बैठक में हमारा एक परिचय हुआ। चुनाव को लेकर तैयारियां, और सभी आप जानते हैं कि चुनाव अब 2 महीने बाद होने वाला है, तो सभी अपने अपने पार्टी जिस तरह की जिम्मेदारी कर रहे हैं उसी तरह हमने भी अपना जिम्मेदारी से यहां जो मिला है उसमें परिचय कर रहे थे। अभी आप नीचे बात कर रहे थे कि व्यक्ति विशेष से कुछ लोग तंग हैं, ऐसा तो मेरे सामने किसी ने भी नहीं कहा कि विशेष कोई व्यक्ति से हम या कोई तंग है या कुछ है। मेरे किसी कार्यकर्ता ने भी, किसी भी मंडल अध्यक्ष ने, 15 मंडल अध्यक्ष हैं मेरे यहाँ, और 15 मंडल अध्यक्षों में किसी ने इस तरह की बात नहीं कही। और ये सब चीज जो है आप जो पूछ रहे हैं ये अंदरूनी तैयारी है, अब से 2 महीने तक या और या 3 महीने तक जो तैयारी, जो डेट दी जाएगी वो डेट तो चुनाव आयोग देंगे, ना मेरी कोई पार्टी देगी ना हम देंगे, जो चुनाव आयोग जो डेट देगा उसी डेट से ये चुनाव चालू हो जाएगा। आपकी पार्टी के लोग मान रहे हैं बाय इलेक्शन जीत में हुए, बड़ा इलेक्शन था, इलेक्शन छोटा है लेकिन मैसेज उसका बड़ा होगा, तो विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ हो सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं भी है, प्रोवाइडेड इफ बीजेपी विंस टुमारो रिजल्ट, कुछ है सर? नो, इस तरह का कोई भी नहीं है। अभी 3-4 दिन पहले मेरे ख्याल से पेपर में भी आ गया है कि अभी ऐसा कोई हमारे यहाँ प्रणाली या ऐसा कोई नहीं कहा गया चुनाव आयोग ने कि भाई वो चुनाव हमारा विधानसभा का लोकसभा का एक साथ होगा, ऐसा भी कुछ नहीं, हमें कोई संकेत नहीं है ऐसा। करनाल क्षेत्र में 12 प्रवक्ता कार्यकर्ता हमारे यहाँ मूल रूप से सबसे बड़ा योगदान माना जाता है, और कार्यकर्ता बंधुओं से, पदाधिकारियों से सबसे हमारे संगठन महामंत्री और हमारे हाईकमान ये चीज का निर्णय लेंगे। नहीं, कार्यकर्ताओं को इग्नोर करके बाहर से, मेरे ख्याल से ऐसा जैसा आप पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि पैरासूट से उतारा गया, तो ये तो कार्यकर्ताओं का अभी तो मेरा परिचय था, अभी इस चीज के लिए निर्णय जो है वो थोड़ा सेकंड कड़ी है। हरियाणा में 10 लिस्ट पे जो मौजूदा समर्थन व्यक्त करे कि हमारी सेहत ठीक नहीं है या रीजन कोई हो सकता है, वो लोग अनिच्छा जाहिर करें कि हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो पार्टी के सामने नए उम्मीदवारों का संकट है, उनकी उनको तलाशना, मजबूत कैंडिडेट, 5-6 लोग चुनाव ना लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। मैं आपके मुख से ये बात सुन रहा हूँ, और ऐसा कुछ हमारे यहाँ ऐसा आया नहीं है, ना मैं ऐसे सुन पाया हूँ, ना ही मेरा कोई टिकट देने का कार्य है, टिकट देने का कार्य हमारा हाईकमान है। मेरे पास जो इस समय बूथों का काम है, और मैं एक एक बूथ पे जाऊंगा
और अपने बूथों ये चीज ये जो आप कह रहे हैं ये अभी ओपन तो नहीं आया और ना ही मेरे संज्ञान में आया है, ना ही मेरे किसी बड़े मेरे अधिकारी ने ऐसा कुछ मूल रूप से बताया। जब ऐसा आएगा तो कार्यकर्ता मेरा एक एक बहुत सक्षम है, करनाल में और पानीपत में मेरे कार्यकर्ता ऐसे हैं सक्षम हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। मैं रात्रि प्रवास अभी मैं सोनीपत में पूरे एक डेढ़ हफ्ता निकल के आया हूँ। मेरे वहां 18 मंडल थे जिसमें मैं 10 मंडलों की बैठक ली है और 10 मंडलों बैठक में लगातार मैंने एक एक कार्यकर्ता के यहाँ प्रवास करा है, जिसमें मैं 6 कार्यकर्ता पार्टी के कार्यकर्ता थे ना कि पदाधिकारी थे, मैंने उनके यहीं प्रवास करा। इसी तरह आगे का मेरा यह है लगातार मेरे प्रवास रहेंगे, रात के 11 बजे भी, रात के 2 बजे भी या जब भी, तभी मैं अपने कार्यकर्ता के घर जा रहा हूं और वहां उनकी फीडबैक ले रहा हूं और उनके साथ ही प्रवास करता हूं। अभी प्रधानमंत्री जब कौरवों की संख्या एक तरफ बहुत थी और हमारे पांडव एक तरफ थे, तो कृष्ण जी ने शंखनाथ भी यहीं से करा था, इसी कुरुक्षेत्र की भूमि से। मेरे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी एक बहुत शंखनाथ करने जा रहे हैं जो विपक्ष को पता लग जाएगा। जो दे नहीं पाया तो फिर मेरा आना यहाँ व्यर्थ है। मैं अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह चाहता हूँ कि वो सब कुछ छोड़कर जिस तरह से 75,000 से मेरी मेयर पार्टी के अगर इन्होंने जिताई है, इसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि पूरे हरियाणा में सबसे टॉप में मेरी करनाल लोकसभा सोनीपत लोकसभा आनी चाहिए। इसके लिए अभी से प्रयास कर रहा हूँ, अभी से मैं आवाज कर रहा हूँ और एक एक कार्यकर्ता का 2 महीने के अंदर ऐसा कोई बूथ नहीं होगा जिस पर मैं प्रवास नहीं कर पाऊंगा। एक चीज और आप सकें कि जो डिस्ट्रिक्ट की कमेटियां होती है, ब्लॉक कमेटी अभी तक बनी नहीं, वो भंग हुई थी, आज तक नहीं बनी। बीजेपी का जहां तक ताल्लुक है, आप लोग मीटिंग पे मीटिंग प्रेपरेशंस